हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात सिक्स विषय हिंदी हिंदी में आप लोगों को पार्ट पाँच के नाम है हार के जीत के अर्थ हुआ कि बाटी जो थे हार कर भी जीत गए, क्योंकि हार के भी जीत गए इसलिए हार के भी जीत गए। इस पाठ का मैं शब्दार्थ आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, इसे मैं आप लोगों को इसके बाद मैं आप लोगों को कहानी पढ़ाएंगे। इसके बाद इसका शब्दार्थ मैं लिखवा चुकी हूँ, एक बार मैं शब्दार्थ को पढ़ी, इसके बाद आप लोगों को कहानी पढ़ाएंगे। शब्दार्थ है देनदार माने कर्जदार, छवि छवि मैंने शोभा सुंदरता, बाका बाका माने अनोखा, विस्मय माने आश्चर्य, असहाय माने असहनीय, अंकित माने लिखा हुआ, पढ़ना माने दया, प्रयोजन माने मतलब उपयोग। यह इसका इस पाठ का शब्दार्थ है। इसके बाद मैं एक बार आप लोगों को इस पाठ की मैं सारांश कहानी बता दे रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। कहानी है बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्रेम था। बाबा भारती उसे सुल्तान का बाबा भारती के घोड़ा था, उसे वह बहुत प्रेम करते थे। उसका नाम था सुल्तान। खड़क सिंह उस इलाके का भयंकर डाकू था, उसके कानों में भी सुल्तान के पर। वह खड़क सिंह उस इलाके का डाकू था, लेकिन उनका नाम जो सुना कि खड़क से बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है। एक दिन दोपहर को खड़क सिंह बाबा भारती के निकट पहुंचा। बाबा भारती के पुत्र ने बताया कि सुल्तान की चाह ने उसे खींच लाई है। बाबा भारती ने बड़े उत्साह के साथ अपना घोड़ा दिखाया। घोड़े की सुंदरता और चाल ने तो खड़क सिंह के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। वहाँ से जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास लूँ। वह आया, घोड़ा देखा, इसका बहुत खुश होकर बाबा भारती अपने अस्तबल में ले गए। उसे घोड़ा दिखलाए, घोड़ा देखने के बाद उसका आँख जो है उस पर जड़ गया। कहा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास रहना चाहिए, इन साधु के पास क्या होगा। वह कहा, आप जाते वक्त कहा कहना यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। खड़क सिंह के बाद बाबा भारती डर गए। इस तरह कई माह बीत गए, बाबा भारती और सदा रह गए। वह माँ बीत गए, यहाँ पर उसका घोड़ा ले गए, लेकिन कितने दिन बीत गए तो वह क्या हो, अब वह ध्यान हट गया, वह नहीं आएगा। लेकिन एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार को घूमने निकले। अचानक एक कराती आवाज़ सुनकर उन्होंने घोड़े को रोक दिया। देखा एक अपाहिज उनसे दया की भीख मांग रहे हैं, उनसे निकट के गांव तक पहुंचा देने की प्रार्थना की। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं लगाम पकड़ कर चलने लगे। अचानक लगाम उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि खड़क सिंह उनका घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा है। उन्होंने खड़क सिंह से बस इतना ही कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन इस घटना की चर्चा किसी से मत करना, अन्याय आज से कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। बाबा भारती की बात खड़क सिंह के हृदय के छू गई। उस समय वहाँ से चला गया, लेकिन रात को चुपचाप घोड़ा बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया। वह एक दिन शाम के समय बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर घूमने के लिए निकले थे। देखे कि एक अपाहिज जो है सड़क के किनारे खड़ा रहा है। वह घोड़ा को रोक कर पूछे, क्या बात है। कहा कि मैं मुझे निकट के गांव में पहुंचा दीजिए, मैं अपाहिज हूँ। उन्होंने घोड़ा बैठा कर पहुँचाया। जैसे ही घोड़े बैठाया, उन्होंने घोड़े लगा उनके हाथ में ले लिया और लेकर घोड़ा लेकर भाग गया। लेकिन बाबा भारती कहा कि सुनो, तुम घोड़ा तो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद कोई भी आदमी गरीबों पर विश्वास नहीं करे, इसकी चर्चा तुम अपने गांव में मत करना। रात के अंतिम समय बाबा भारती उसे जगे पांच और अस्तबल किए गए। घोड़े ने अपने मालिक के पैरों की आवाज़ पहचान के हिनाना शुरू कर दिया। दौड़ते अस्तबल हुए घोड़े की गले पर रोने लगे। फिर असंतोष तो क्या किया, यह बात अपने घर जाने के बाद उसके दिमाग घूमने लगा। बाबा भारती ऐसे बात क्यों कहे हैं। वह दिमाग में फिर लाकर उस घोड़े को उनके अस्तबल में बांध दिया। फिर एक रात बांध कर चला गया। रात के समय एक बार उनके नींद टूटी तो उनका पांव जो है अस्तबल की ओर जाने लगा। अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। जाने लगे, देखे कि घोड़ा जो है अपने मालिक को, जो जानवर जो है बहुत वफादार होते हैं, वह अपने मालिक की आवाज़ पहचान के ही पैरों की आवाज़ सुन के हिनाने लगे। जब जब बाबा भारती गए अस्तबल देखे कि घोड़ा जो है बांधा हुआ, उसे गले लगकर बहुत रोए और वो कहे का संतोष उन्होंने मुँह से निकला। अब कोई भी गरीबों से सहायता करने कहना है कि अब भी आदमी मनुष्य जो है गरीबों की सहायता जरूर करेगा। यह इसका कहानी का शब्दार्थ और पाठ का और कहानी में पढ़ा थी, इसे आप लोग याद कीजिएगा। और आज का टॉपिक इतने ओके, धन्यवाद।